हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस। और आप लोग देख रहे हैं हमारी फिनलैंड की ट्रैवल सीरीज, आपको हमारे कपड़े देख के समझ में आ ही गया होगा। और एक्चुअली इतने सारे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि आज मॉर्निंग में जब हम लोग रेंडियर स्लाइड कर रहे थे, रेंडियर सफारी, तब ना जो वहाँ की होस्ट थी वो बोली कि आज ना पॉसिबल है नॉर्दर्न लाइट्स देखना। सारे हमारे ऐप में भी यही आ रहा था कि अगर आज क्लाउड नहीं रहे तो स्काई क्लियर होगा, तो देयर इज अ चांस कि नॉर्दर्न लाइट्स दिख सके। तो डिनर टाइम भी हो गया है, हम लोग जाते हैं डिनर करेंगे और नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे। बट क्या हम डिनर कर पाते हैं, क्या हम नॉर्दर्न लाइट्स देख पाते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए ये वीडियो। सौरभ ने ग्लव्स नहीं पहने, बट ग्लव्स पहनेंगे, इसके ऊपर एक और आउटर ग्लव्स पहनेंगे, बैग में भी रख लिया है एक्स्ट्रा, नेक वार्मर भी सब रख लिया है। सो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। पता नहीं कितनी ठंडी लगे, हम खड़े हो ही ना पाए, बट लेट्स सी। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स गो देन, लेट्स गो। आज स्काई तो बहुत क्लियर है, वी आर वेरी होपफुल फॉर नॉर्दर्न लाइट्स। या वी हैव टू लुक फॉर द राइट प्लेस फॉर नॉर्दर्न लाइट्स। हमारा कैमरा ये लगा रखा है हम लोगों ने, और जितना लर्न किया था उसके हिसाब से सेटिंग कर दी है। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड नॉर्दर्न लाइट्स आए। वैसे आईफोन भी कैप्चर कर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है क्या? तो आज जो है इंडेक्स वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी कि यहाँ पे दिख रही है नॉर्दर्न लाइट्स। एंड यू आर वेटिंग, and it's very cold, very cold, very cold. I'm going to show you northern light jo ki charo taraf ho rahi hai, and here it is. Thank you.
ओह थक गए पूरे हाथ पांव सब फ्रीज हो गए इतना कुछ पहनने के बावजूद हाँ, भी पूरे दो दो ग्लव्स पहने हुए हैं अभी एक निकाल के रखा और फ्रीज है मेरे पूरे पांव भी सब कुछ करने के बाद हाँ इसलिए दो घंटे से हम लोग नॉर्थ लाइट्स को हंट कर रहे थे शूट कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है अभी आपको कैप्चर करना है तो यू हैव टू हैव अ कांस्टेंट कैमरा ना लाइक उसको स्टेबल करके रखना पड़ेगा नहीं आप इधर उधर करने लगेंगे तो किधर का भी कैप्चर नहीं होगा बट इधर हो रहा था फिर इधर हो रहा था फिर उधर सबका बंद हो गया फिर उधर होने लगा फोन से कर रहे थे फिर कैमरा को शूटिंग किया वो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली अभी भी हमें नहीं पता कि कैसे हमारे शूट आए हैं क्योंकि अभी इतनी ठंड इतनी लग रही थी कि कैमरा को मैं छोड़ के नीचे आ गया हूँ मैंने कहा थोड़े 15 मिनट बैठता हूँ देन आई विल गो और उसका आउटपुट कैसा है वो तो मुझे अब आज रात को या कल सुबह ही जब मैं लगा के देखूंगा लैपटॉप तब समझ में आएगा बट अभी हम आए हैं कि 10 मिनट ना थोड़ा हाथ और पैर गर्म कर लेते हैं और फिर चलते हैं बाहर क्योंकि आइसलैंड में जिस तरीके से हो रहा था ना वो नेकेड आई से ही इतना सुंदर दिख रहा था लाइक नेकेड आई से ही इट वाज हैपनिंग आज का इतना इंडेक्स जो होता है इसका केपी इंडेक्स वो इतना हाई नहीं है 3 का दिखा रहा था इंडेक्स तो दिख रहा था हमको बीच में ऑलमोस्ट 10-15 मिनट ऐसा आया कि हमको वी वर एबल टू सी क्लियरली मगर वो ऑफ कोर्स आईफोन से तो बहुत ही खराब कैप्चर हो रहा है बट कैमरा जो हम लाए हैं उससे कैप्चर हो तो रहा है सो लेट्स सी आउटपुट कैसा आता है इट्स नॉट लाइक आइसलैंड वन जो हमारा हुआ था कि बिल्कुल बहुत सारे कलर हर जगह हो रहे थे बट स्टिल इट्स वेरी मेमोरेबल क्योंकि जो इतना स्नो है तो पूरा जो लैंड है और जो पूरे सारे ट्रीज हैं वो पूरे वाइट हैं और ऊपर नॉर्दर्न लाइट हो रहा है तो वो बहुत ही अमेजिंग एक व्यू है और ना मेरे हाथ पैर तो फ्रीज हो ही रहे थे मेरे गाल भी फ्रीज हो गए फोन हमारे सारे फोन फुल चार्ज थे और फोन का बैटरी भी खत्म हो गया सब खत्म हो गया उसका बैटरी क्योंकि जब ठंडी होती है ना तो शायद जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन आउट हो जाते हैं कैमरे के पास हमारे पास सारा का तो फुली डेड हो गया मेरा भी ऑलमोस्ट थोड़ा ही बचा था फिर कैमरे की 3 बैटरी खत्म हो चुकी है अभी तक बस 2 बैटरी और बची है सो होपफुली 2 के बाद हमारा काम हो जाना चाहिए लेट्स सी बट इसीलिए लर्निंग बहुत जरूरी है हमको ऊपर ठंड नहीं लग रही है नीचे भी नहीं लग रही है बस थोड़े से शूज है मे बी इट्स टाइम टू पुट वार्मर वार्मर्स यस अगर रात में और होती रही ऐसी लाइट तो अगली बार हम लोग वार्मर पहन के जाएंगे शूज वार्मर पहन के जाएंगे बाहर नेवर्थेलेस आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग नॉर्दर्न लाइट्स विद अस अभी 10-15 मिनट्स फिर से जाते हैं और फिर से देखते हैं और ट्राई करते हैं फिर से कैप्चर करने के लिए अचानक से ही मेरे पैर ना पूरे ऐसा लगा फील होना बंद हो गए पैर मतलब फीट बहुत ही ज़्यादा फिर इधर हीटर पे पैर रखा थोड़ा सा फिर सौरभ ने पूरे रब किया हाथ से तब जाके अच्छा हुआ तो मैं तो वापस बाहर नहीं जा रही हूँ अब क्योंकि पहले तो एनर्जी में ऑलमोस्ट 2 घंटे से बाहर हूँ बट नॉट नाउ तो मैं बैठती हूँ अंदर सौरभ जाएगा बाहर और क्योंकि कैमरा तो वापस लाना पड़ेगा तो सौरभ कैमरा लेके वापस आएगा ओके सौरभ यस यू जस्ट सिट या एंड वार्म योर फीट पूरा फीट मतलब पूरा उतारना पड़ा सॉक्स और फिर उसको वार्म करना पड़ा तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है यू सिट नाउ अभी भी हो रहा है बस पैर मेरे है ना बचपन में पूरे फीट ना ऐसे स्वेल हो जाते थे ठंडी में इंडिया की ठंडी में तो फिर अभी तो पता नहीं क्या होगा होपफुली पैर ना स्वेल हो जाए अभी भी हो रही है नॉर्थ लाइट्स देखिए ये
देयर इज नो लाइट. लेट मी सी क्या हो गया इसको. इट वॉज शोइंग लाइक दिस. ओके बैटरी इज ओवर. तो ऑलमोस्ट पिछले 30 मिनट से ये शूट कर रहा था टाइम लैप्स, तो इसकी बैटरी चली गई. अभी मैं जाता हूँ वापस क्योंकि लग रहा है आज रात के लिए हो गया है. तो अभी मैं जाता हूँ अपने कैमरे को लेके वापस और फिर हम लोग करते हैं अब डिनर. एक और चीज़ हुई अभी जब मैंने इसको उठाया ट्राईपॉड को, अभी तो वो उठ गया पर तब वो फ्रीज हो गया था. तो अगर रात भर इसको या एक दो घंटे के लिए छोड़ दूँ तो ये फ्रीज ही हो जाएगा. नो सो नाउ लेट्स गो बैक टू द केबिन. और नॉर्दर्न लाइट्स कैप्चर करने में इतने बिजी थे कि खाना भी नहीं खाया. फिर जाके मैंने उनको बोला कि हो सकता है क्या पैक, तो उन्होंने पैक कर दिया है. अब देखते हैं क्या मिला है. पैक किया है क्या क्या है. मैंने ये तीनों खोल के देखे हैं. इसमें ना कुछ डेजर्ट के ऊपर की क्रीम है. यस इट्स सो स्वीट. दिस इज व्हाट वी हैव. नॉट बैड. तो स्प्रिंग रोल्स हैं और वो बोल रही थी कुछ तो है ना मैश पोटैटोज हैं. दिस इज स्प्रिंग रोल का वो डिप है. ये डिप और स्वीट सॉस और वाला डिप है. नाइस. हाँ वो दोनों उसके लिए है. क्रीम फॉर डेजर्ट. लेट मी ईट. तो आई थिंक ये लिक्विड होगा ना दोनों में. हाँ पहले लेट्स एक ही फोल्ड करके खोलते हैं. और बहुत ही ठंड लगी. बहुत ही ठंड लगी. और डिनर ओके ही था एक्चुअली में. स्प्रिंग रोल्स अच्छे थे. स्प्रिंग रोल अच्छे थे मगर जो पोटैटो था उसमें बहुत ज्यादा बटर था. बटर एंड पोटैटो ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है. सिमिलरली विद जो वेजिटेबल्स थे उसमें भी ज्यादा बटर था. बट मैंने फटाफट एक चाय बना के अपनी इसके साथ वो स्प्रिंग रोल्स खा लिए. सो वी वर ओके. नाउ ओमेगा शैल वी डू अ क्विक सोना. आई वांट टू स्लीप सॉरी. थक तो गए बहुत और टाइम भी ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गया है. बट फिर सोना पता नहीं आगे कर पाए कि नहीं कर पाए. यस तो फिनिश सोना बहुत फेमस है इसलिए यहाँ पर हर जगह आपको बहुत सारे सोना के ऑप्शन मिलेंगे. और हमारे इस वुडन चैलेट में सोना है हमारा प्राइवेट पर्सनल सोना. तो करना तो चाहिए बट आई एम टू टायर्ड टू डू सोना. और ठंड लग गया है बट सोना से शायद अच्छा हो जाएगा. हाँ इसको फिर ऑन करना पड़ेगा. 30 मिनट लगेंगे उसको वार्म होने में. सो देखते हैं हम लोग करते हैं कि नहीं. बट एनीवेज होपफुली आप लोगों को नॉर्दर्न लाइट्स अच्छे से दिख गए हो हमारे इस वीडियो में. हमने ट्राई किया था उसको शूट करने का. हम लोग तो डिनर करने जा रहे थे एंड अचानक यहाँ पर अलार्म तो नहीं आया. यहाँ पर एक अलार्म है बट हमारे मोबाइल में जो हमने ऐप लिए थे उसमें अलार्म आ गया कि देयर इज नॉर्दर्न लाइट्स कैन बी विजिबल. तो हम लोग फटाफट अपना कैमरा निकाला और सब कुछ लेके गए शूट करने की कोशिश की. सो वी मेड द बेस्ट ऑफ इट व्हाट वाज पॉसिबल एंड होपफुली आगे के और जो दिनों हैं वहां पर हमको और चांस मिले तो अभी हम थोड़ा और सीख गए हैं तो हम उसको अच्छे से और कैप्चर कर सकें. फिंगर क्रॉस. बट इस वीडियो को यही एंड करते हैं. और हम सोना करते हैं या नहीं करते हैं शायद करेंगे. तो सोना करेंगे. आपको दिखा भी देते हैं कि सोना कैसा दिख रहा है. तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो थोड़ा सोना भी दिखाते हैं. और आपको ये वीडियो कैसा लगा नॉर्दर्न लाइट्स का बताइएगा जरूर. और लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं करा है तो डू फॉलो अस. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. तो ये है हमारा सोना. तो इसमें पानी भरते हैं और फिर इसके अंदर यहाँ पे स्टोन्स रखे हुए हैं इसके अंदर डालने होते हैं. एंड देन यू गेट ऑल द वार्मनेस. तो करते हैं सोना.
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।